घोषणा पत्र के बाद मीडिया का बड़ा सर्वे। सर्वे में यूपी में बीजेपी को भारी बहुमत। मीडिया द्वारा कराए गए सर्वे में बीजेपी को 50 सीटें। यूपी की जनता पर मोदी का जादू बरकरार। सर्वे की माने तो माया अखिलेश को यूपी ने नकारा। यूपी में गठबंधन को 27 सीटें मिलेंगी। यूपी की जनता मोदी पर कर रही है भरोसा। लोकसभा चुनाव पूर्व आ रहे सर्वे की माने तो यूपी में माया अखिलेश का जादू नहीं चल रहा है और जनता इस बार भी मोदी को बड़ी जीत देकर यूपी से भेजने वाली है। मीडिया हाउस द्वारा कराए गए सर्वे की माने तो यूपी की जनता पर इस बार भी मोदी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है और इसी का नतीजा है कि बीजेपी एक बार फिर जातीय गणित को धराशायी करते हुए बड़े ही शान से यूपी में जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। मीडिया के कराए सर्वे की माने तो यूपी की जनता इस बार भी मोदी को चुनकर भारी बहुमत के साथ लगभग 50 से ऊपर सीटें दे रही है। सर्वे से पहले ये खबरें आ रही थी कि इस बार बीजेपी को गठबंधन की तरफ से भारी नुकसान होने वाला है, लेकिन नए सर्वे से ये बात साफ होती नजर आ रही है कि इस बार भी बीजेपी और मोदी का जादू यूपी की जनता पर हावी है और इसी का नतीजा है कि बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस को पीछे छोड़ने में कामयाब हुई है। सर्वे की माने तो यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 50 लोकसभा सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी 50 सीटें जीत सकती है तो वहीं माया अखिलेश गठबंधन को 27 सीटें मिल सकती हैं। कुल मिलाकर ये सर्वे पहले चरण के मतदान से पहले आया जो ये बताता है कि यूपी की जनता किस पर भरोसा कर रही है और किसको नकार रही है। और अगर सर्वे की बात पर भरोसा करें तो यूपी से बीजेपी को भारी बहुमत मिलने वाला है, लेकिन एक बात ये भी है कि ये एक सर्वे है और आखिरी परिणाम 23 मई को आएगा, तब पता चलेगा कि यूपी की जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है। अमान्य रीते ये स्वाभाविक है कि चुनाव के पहले हर राजनीतिक दल अपनी अपनी बात लेकर के आती हैं, लेकिन राजनाथ जी के नेतृत्व में हमारे अध्यक्ष जी ने जो कमेटी बनाई थी उसने पिछले 2-3 महीने लगातार मेहनत की और एक प्रकार से जन के मन की बात, उनकी आशा अपेक्षा आकांक्षाओं को सुनना समझना और एक डॉक्यूमेंट में भले सब कुछ ना आ जाए लेकिन उसकी मूलभूत बातों को पकड़ करके आगे चलने का ये जो मेहनत की है इस टीम ने, मैं इस टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। शायद हिंदुस्तान में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में सरकार किन बातों को लेकर के आगे काम करे, जनता को इतनी बड़ी मात्रा में विचार विमर्श हुआ है, ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है और ये लोकतंत्र का ट्रू स्पिरिट है और उसको हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आपने देखा होगा कि मैनिफेस्टो में 3 प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है। और उसी के आसपास हमारा पूरा ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय ये हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। इस पूरी रचना जो है उसमें एक आमतौर पर ये मैनिफेस्टो 2024 के लिए है, लेकिन
देश की जनता हमारा हिसाब ढंग से मांग सके, इसलिए पहली बार हमने साहस किया है कि इंटरिम भी हमारा हिसाब लिया जाए, और वो है 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हमने देश के महापुरुषों ने जिन सपनों को लेकर के आजादी का जंग किया था, आजादी के लिए बलिदान दिए थे, जब आजादी के 75 साल होंगे तब हम उनके सपनों का भारत समर्पित करने की दिशा में कुछ अहम काम कर लें, पूरा कर लें। इस उद्देश्य से 75 वर्ष 75 लक्ष्य ये हमने तय किए हैं, 75 निश्चित कदम हमने तय किए हैं, ये अपने आप में टाइम बाउंड वेल डिफाइंड शायद ही कोई घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में आप पहली बार देख पाते होंगे। उसी साथ साथ हम जब इस मैनिफेस्टो को लेकर के आए हैं तो साफ है हमारे मन में वन मिशन वन डायरेक्शन। हम देश को समृद्ध बनाने के लिए, सामान्य मानवी के सशक्तिकरण को लेकर के, जन भागीदारी को बढ़ाते हुए, लोकतांत्रिक मूल्यों को महात्म्य देते हुए, और सरकार की सबसे बड़ी कसौटी ये नहीं होती है कि आपने क्या किया, सरकार की सबसे बड़ी कसौटी है लास्ट माइल डिलीवरी की। और इसलिए वन मिशन वन डायरेक्शन लेकर के हम आगे बढ़ना का हमारा निर्धारित मंत्र है। उसी प्रकार से हमारे समाज में विविधताएं हैं, भाषा की विविधता है, जीवन स्तर की भी विविधता है, शिक्षा में भी विविधता है, जीवन शैली में भी विशेषता है, और इसलिए एक ही डंडे से सबको हांका नहीं जा सकता, और इसलिए विकास को हमने मल्टी लेयर बनाने की दिशा में इसमें हमने समाहित करने की पूरी कोशिश की है। गांव हो, शहर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, पुरुष हो, महिला हो, नौजवान हो, सीनियर सिटीजन हो, हर एक को एक प्रकार से मल्टी लेयर हमने इसकी सबको एड्रेस करने की कोशिश की है। दूसरा हमने प्रयास किया है मल्टी डायमेंशनल, जैसी जहां आवश्यकता उस प्रकार से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। एक ही खांचे में, एक ही सांचे में, एक ही ढांचे में चीजों को समाहित करके हम परिणाम नहीं ला सकते हैं। राजनीति चल सकती है लेकिन देश नीति चलाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमने मल्टी डायमेंशनल लेवल पे काम करना होता है, उसको हमने इसमें लेने का पूरा प्रयास किया है। अब जैसे उदाहरण के लिए आने वाले दिनों में भारत के सामने जो कुछ कठिनाइयां नजर आ रही है, जैसे पानी, खास करके मैं आज जब तमिलनाडु की गहराई में जाता हूं तो ध्यान में आता है कि आने वाले दिन कितने संकट वाले जा सकते हैं। राजस्थान, गुजरात जैसे प्रदेश सदियों से पानी के अभाव में जिए हैं, उन्होंने अपने रास्ते खोजे हैं, लेकिन आज भी देश के कई प्रदेश हैं उनके लिए भारत सरकार ने गंभीरता से सोच करके समस्याओं का समाधान करना होगा और एक लंबी योजना से करना होगा। और इसलिए हमने सोचा है कि देश में पहली बार जल की बात करता हूं तो जल भी पी लेता हूं, हम एक अलग जल शक्ति मंत्रालय बनाएंगे। हमने इस बजट में मछुआरों के लिए, और कोस्टल एरिया में ही मछुआरे भाई बहन ऐसा नहीं है, हमारे देश की नदी तट की संस्कृति में
मछुआरे एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल एक्टिविटी का माध्यम रहे हैं और इसलिए हमने इस बजट में मछुआरों के लिए एक अलग मंत्रालय की बात बजट में कही थी। हम आने वाले दिनों में जल शक्ति एक अलग मंत्रालय बनाएंगे।